So welcome friends again. Now just I'll be speaking with you. I'll not be teaching you anything. So be रिलैक्स होता है ना, एकदम हर रोज आपको लेक्चर सुन सुन के बोर होते हैं, तो थोड़ा सा आपसे बात करना है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बनाए. बात मतलब पढ़ाई का ही बात करना है. आई गाइड यू. आपका जो एग्ज़ाम है, आप जो जेई देने वाले, सीईटी देने वाले है ना, आप जेई देने वाले हो, सीईटी देने वाले हो, ओके, और कौन सा भी, इसके साथ आपको साथ साथ में बोर्ड का भी पढ़ाई करना होगा है ना. और उसमें आपको 70-30 का पैटर्न होगा. 70-30, 70 में थियरी, 30 में प्रैक्टिकल. तो ये मिला के आपको यू हैव टू अर्न आउट ऑफ 100 मार्क्स. सो टुडे आई हैव गिवन यू वन शीट. तो यू ओपन दैट शीट. इन दैट शीट आई हैव ट्राइड टू गिवन चैप्टर नंबर 2 ऑल क्वेश्चंस. इतना क्वेश्चन करो आपको बोर्ड के लिए बहुत हो जाए. बहुत मतलब कुछ भी पूछिए आपको आ जाएगा आपको, इतना उसमें सब है. तो उसमें है 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क. इसको बोलते हैं VSA, वेरी शॉर्ट आंसर. ये SA1, शॉर्ट आंसर 1. ये SA2 बोलेंगे उसको, और ये LAQ, लॉन्ग आंसर. तो ये सब टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए हैं आपके नोटबुक में. आप उसका आंसर ट्राई करो. उसमें क्या क्या आता है, 5 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए आपको डेरिवेशन भी आता है. तो डेरिवेशन में क्या क्या करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चालू किया अगर, तो डेरिवेशन है आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल. कल मैंने बताया था, ये कल या परसों बताया था. तो वो डाइपोल का एक्सियल इक्विटोरियल एनी पॉइंट है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन है. गॉस लॉ एप्लीकेशंस अभी से ही करके रखो. मैं बता दूं आपको कितना है, 5 है एप्लीकेशंस. इसको 5 स्टार बना देता हूँ मैं. और इसको VIMP 100% गॉस लॉ के एप्लीकेशन. एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं पूछा तो एक प्रॉब्लम तो आ जाएगा, आइदर प्रॉब्लम और दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो चीज़ आपको करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल इक्विटर और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग. और प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उसी में आता है, लेकिन फ्लक्स कैलकुलेशन निकालते हैं ना उसमें आपको करना है. आपको समझ में आया मैं क्या बताने वाला, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक डायपोल यू हैव टू डू, यू हैव टू डू गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, यू हैव टू डू द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू फ्लक्स. मैंने जितना दिया वो सब प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, सब क्वेश्चन सॉल्व करो. उसका आंसर भी दिया है उसमें, खाली क्वेश्चन नहीं दिया, आंसर भी दिया है सर. तो आपको एक झलक में यू कैन डू दैट एवरीथिंग. नाउ कमिंग टू द चैप्टर नंबर 2, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 का मैंने सब आपको दिया है. जब जब मैंने सिखाया, ये मैंने सिखाया नहीं ना आपको, कॉस के पहले का मैंने नहीं सिखाया, तो उस टाइम मैंने दिया नहीं होगा आपको, इसीलिए मैंने अभी आपको दिया है. और उसके साथ क्या क्या करना है, NCERT रीडिंग कल मैंने बताया, जैसा आपने चालू किया क्या, मेरे को रिप्लाई करो, हैव यू स्टार्टेड विद NCERT रीडिंग. हाँ, ये सुनने के बाद जल्द से जल्द रिप्लाई करो मेरे को, आई एम वेटिंग फॉर यू रिप्लाई. क्या आपने NCERT रीडिंग चालू किया, क्या आपने NCERT एग्जरसाइज सॉल्व करना चालू किया, हाउ मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्व, एवरीथिंग रिपोर्ट मी. ओके, मेरे पास सबका रिपोर्ट हो जाएगा. इसने मुझे दिया रिपोर्ट, इसने मुझे नहीं बोला, ये कुछ फ़ोन ही नहीं किया, मतलब ये कुछ मैसेज ही नहीं किया, ऐसे सब मिल जाएगा मेरे को. तो आप वो रिप्लाई करो मुझे. ये हो गया आपका थियरी का. सो थियरी के लिए आपको
बीच बीच में मैं कल भी दे दूंगा, परसों भी थोड़ा थोड़ा करके, और क्वेश्चन भी दे दूंगा। थ्योरी का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल में क्या होता है, थ्योरी के 70 मार्क्स का मैं आपको जो दिया हूँ पहले 11 के लिए, द सेम पैटर्न विल बी हियर फॉर 12। न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ओनली आई हैव गिवन। सो टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बीच में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद एक लेक्चर में वो पैटर्न वगैरह बता के आपको थोड़ा सा उसका गाइडलाइन दे दूंगा लास्ट में। अभी आपको क्या है, प्रैक्टिकल में आपको 30 मार्क्स का आने वाला है। ओके, 30 मार्क्स को आपका 2 एक्सपेरिमेंट करना है आपको। ओके, थोड़ा सा उसका चेंज हुआ है शेड्यूल, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, 2 एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स होता है, एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी मतलब हम आपको करके दिखाते, एक प्रोजेक्ट करना होता है आपको। ओके, तो एक काम करो, आई थिंक आई माइट हैव गिवन, नॉट आई डोंट रिकॉल। मैं आपको क्या करता हूँ, आपको प्रोजेक्ट देता हूँ, मेरे पास है सॉफ्ट कॉपीज, वो पढ़ लो आप, और वो पढ़ के आपका प्रोजेक्ट वैसे ही बनाओ उसका रिपोर्ट। तो क्या हो जाएगा, लॉकडाउन के बाद में आप स्कूल में आओगे तो वो एक काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये 2-3 दिन के बाद आपको, जैसे हमने 11th में किया था जर्नल का, मैंने दिया था ना लिखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन, वो PDF बना के, सेम मैं प्रोजेक्ट का आपको, मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या, अगर है मेरे पास, शायद है मेरे पास, वो देखता हूँ, अगर है मेरे पास तो मैं आपको एक एक प्रोजेक्ट देता हूँ। वो क्या करने का, आपको उसमें से इंफॉर्मेशन आप देखो कैसे दिया है, वो उसका नाम देखो, और ग्रुप में करने का है। तो ग्रुप लीडर मैंने करवा के दिया था, लेकिन अभी बैच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ठीक है जितना ग्रुप लीडर बचा है उसमें से, नहीं तो वैसे जैसे बैच था वैसे करेंगे। तो उसमें से आप प्रोजेक्ट करो अपना, करो मतलब उसका प्रिपरेशन करो और उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके रखो। वो कैसे करना है, क्या करना है, बाद में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन जैसे वो स्टूडेंट ने बनाया है वैसा करके रखो। प्रोसीजर वगैरह अपना उसमें चेंज किया, फॉर्मूला वगैरह तो वही रहने वाले, आप क्या करने वाले हो वो सब सेम रहने वाले। प्रोजेक्ट मतलब क्या, ऐसा दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोजेक्ट का जो नाम दिया है उसी के ऊपर आपको प्रोजेक्ट करना है। तो मैं आपको 2-3 दिन में वो भेज देता हूँ, अपने ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, तो आप अपने हिसाब से एक ही प्रोजेक्ट सब मत ले लो, किसी ने ये दिया है वो आप दूसरा दूसरा ले लो, दूसरा कोई एक और तीसरा है प्रोजेक्ट वो ले लो, ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। ओके, सो दैट वॉज अबाउट द प्रोजेक्ट। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, डोंट टेक द टेंशन ऑफ दिस। ओके, डोंट टेक द टेंशन ऑफ दिस, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। हर एक टाइम वो मैं जब चालू करता, इस साल क्या हुआ मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन ही चालू किया आपका, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव स्टार्टेड विद एनी न्यू क्लास विद ऑनलाइन, सो फॉर एवरी वन इट इज देयर। सो मैं पहले लेक्चर में ये सब बताता हूँ, मैं जब मैं जस्ट चालू करता हूँ पढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बताता हूँ, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। तो ठीक है, ये प्रैक्टिकल का वगैरह है, तो उसमें से मैं जो प्रोजेक्ट आपको दे दूंगा वो आपको रेडी करके रखना होगा। वो कुछ नहीं, वो देख के थोड़ा सा इधर उधर कॉपी डाउन किया तो चलता है, लेकिन उसमें आपका भी थोड़ा सा, अभी आपके पास टाइम है तो टाइम यूटिलाइज करके बनाओ। ओके, और उसका वर्ड वर्ड फाइल तैयार करके मेरे को भेज दो। मेरे को, मेरा जीमेल आईडी है, जीमेल पे भेज दो, आपके पास है मेरा जीमेल आईडी, तो ऐसे करेंगे, बाद में क्या होता है बाद में देखेंगे। ओके, तो टुमारो ऑल्सो विल मीट अगेन फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक्स अ लॉट। ओके।